आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो लॉजिकली चीजों को हमेशा समझने की कोशिश करिए। फिजिक्स है, रटने से काम नहीं चलेगा। चलिए कल की कहानी बता दो। मैं गया था पाठशाला सेंटर पे, मोतिहारी एक सेंटर है पाठशाला, पाठशाला सेंटर पे गया तो एक बच्चा आता है, कहता है मैं रिकॉर्ड करने के लिए बोला, लेकिन उसने बोला कि नहीं सर, मैं नहीं तो बड़ा मजा आता तुम्हें उसका रिकॉर्डिंग। कहता है कि सर देखिए हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते हमको लगता है कि चलो इसको याद रखना है, हम रट लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, रट लेना चाहिए सर, रट लेते हैं। फिर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन है और कुछ फॉर्मूला, तो हम उसको भी रट लेते हैं क्योंकि याद ही रखना पड़ेगा। फिर फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में भी कोई कुछ केस आता है तो उसको भी रट लेते हैं, क्योंकि हम दो सब्जेक्ट में रट रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड रटने वाला हो जाता है, फिर हम जाके उसको भी रट लेते हैं। तो मैंने उसको यही समझाया कि भाई ये सही बात है कि जैसी आदत हो जाती है ना, इंसान वैसा ही बिहेव करने लगता है, और ज्यादा 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 जो चीज पढ़ने लग जाता है, अब कुछ नहीं हो रहा, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, फिर रटने लग जाते हैं चीजों को, रटने लग जाते, रटने लग जाते, रटने लग जाते, रटने लग जाते। तो बायोलॉजी में सर हमको जूलॉजी है तो रट लिया, बोटनी है रट लिया, फिर केमिस्ट्री में कुछ चीज आई तो रट लिया, अब फिजिक्स में भी आई तो सोचते हैं कि कौन इतना दिमाग लगा के पढ़ेगा, चलो उसको भी रट लेते हैं। तो हमारा दिमाग उस साइकोलॉजी की वजह से वैसा ही काम करने लगता है, और कई बार हम सोचते हैं कि समझते हैं, चलो समझते हैं, लेकिन थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो सोचते हैं कि चलो रट ही लेते हैं यार। तो समझिए सब्जेक्ट में डिफरेंस है। आप अगर एग्जाम से, मेम एग्जाम है और पूरे अप्रैल में अगर बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे आप, और अब पहले आपके नंबर आते थे 320 330 बायोलॉजी में, और पूरे अप्रैल में बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो नंबर घट के हो जाएगा 110 120। बहुत फर्क पड़ेगा अगर लास्ट मोमेंट में बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो, जो पढ़े थे आप भूल जाएंगे, जो याद रखा था रटा था सब आपके दिमाग से निकल जाएगा, डेटा नाम, और आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा मैं आपको यकीन देता हूं, और शायद बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे, अगर आप बहुत अच्छे से फिजिक्स अभी समझ लेते हैं, पूरे अप्रैल तुम फिजिक्स मत पढ़ना। अगर तेरे 140 130 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में तो फाइनली तेरे 120 आएंगे, 115 आएंगे, उससे कम 120 आ जाएंगे, इससे कम नहीं आएगा। अगर तुम पूरे अप्रैल में फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, मैं लिख के देता हूं अभी, तुम समझ लो अच्छे से, पूरे अप्रैल में फिजिक्स मत पढ़ो, तेरे अगर 140 150 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत करके तुम ला रहे 140 150, पूरे अप्रैल में फिजिक्स नहीं भी पढ़ा तो भी तेरे नंबर 120 130 आ जाएंगे, गारंटी एकदम, क्योंकि फिजिक्स में चीजें समझने वाली होती है, एक बार समझ लोगे दिमाग में सेट हो जाएगा, कंसेप्चुअल चीजें हैं, कंसेप्ट है उसका। ऐसा नहीं कि रटना है, हर चीज को रटना है, हर चीज को नहीं रटना, हर चीज लिंक होता है, कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है। तो ये यहां पे कोई, मैं किसी की तारीफ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट अलग है, उसके पढ़ने का एटीट्यूड अलग होना चाहिए।